वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी टीम के बारे में, जहां पे हम बताने वाले हैं कि आरसीबी टीम मेगा ऑक्शन में जाते टाइम ऐसे कौन से ऑलराउंडर्स रहेगी जिन्हें अपनी टीम में शामिल करती हुई नजर आएगी, जिसमें से सबसे बड़ा नाम निकल के आ रहा है सिकंदर रजा का। जी हाँ, सिकंदर रजा आप लोग को आईपीएल के मेगा ऑक्शन में तो देखने को मिलेंगे। पंजाब की टीम ने देखा जाए चाहिए उतने ज़्यादा मौके नहीं दिए थे। अगर आप देखो तो आईपीएल 2023 में उन्होंने अच्छी खासी बैटिंग की थी, अच्छी खासी बॉलिंग की थी, उसके बावजूद भी जाए पंजाब की टीम ने उन्हें बेंच पे बिठाए रखा था। तो मेरे हिसाब से पंजाब की टीम या फिर पंजाब की मैनेजमेंट क्या गेम प्लान लेके उतरती है गेम में, मुझे तो नहीं मालूम। इसलिए देखा जाए अभी तक वो क्वालिफाई भी नहीं कर चुके पिछले 10 सालों से, लेकिन वो अगर रिलीज कर देते हैं, और रिलीज उन्हें होना ही है क्योंकि रिटेन तो वो करेंगे नहीं, तो सिकंदर रजा को आरसीबी टीम अपनी टीम में आराम से शामिल कर सकते हैं। क्योंकि आरसीबी टीम की अगर आप रिक्वायरमेंट देखोगे तो आरसीबी टीम को नंबर 5 नंबर 6 का एक बैट्समैन चाहिए, जो कि ऑलराउंडर हो, अच्छी खासी बॉलिंग करना जानते हो, चाहे वो फास्ट बॉलिंग हो चाहे वो स्पिन बॉलिंग हो। और अगर आप देखो कि सिकंदर रजा की बॉलिंग, तो सिकंदर रजा देखा जाए सुनील नारायण टाइप देखा जाए उनका बॉलिंग एक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, लाइक स्पिन बॉलिंग, मिस्ट्री स्पिन बॉलिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं आरसीबी टीम को एडवांटेज होगा, क्योंकि इनके पास देखा जाए स्पिनर्स की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की वो दिक्कत भी दूर जाएगी। वहीं पर आपको बात करें 140-145 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, यानी कि आपको एक अच्छा खासा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन भी देखने को मिलेगा, जो चिन्ना स्वामी के स्टेडियम में आराम से बड़ी बड़ी हिटें लगाना जानते हैं, स्पिन बहुत ज्यादा अच्छी खेलते हैं, पेस बहुत ज्यादा अच्छी खेलते हैं। तो जाहिर सी बात आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। मतलब आरसीबी टीम जहां पे फंसती थी, मतलब आरसीबी टीम मिडिल ओवर्स में जहां पे बीच में स्पिनर ऑपरेट करते थे, वहीं पे आप लोगों को विल जैक्स, कैमरन ग्रीन बैटिंग करते हुए नजर आते थे, तो आरसीबी टीम बहुत ज्यादा दिक्कतों में आ जाती थी, क्योंकि ये देखा जाए दोनों के दोनों बैट्समैन इतनी ज्यादा क्वालिटी स्पिन नहीं खेल पाते हैं। लेकिन अगर वहां पे सिकंदर रजा होंगे तो कहीं ना कहीं स्पिन को भी अच्छा खासा काउंटर कर सकते हैं। तो आरसीबी टीम को देखिए लो बजट में सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन आप लोगों को प्लेयर देखने को मिलेगा। अगर आप वहीं पे लियाम लिविंगस्टन के पीछे जाओगे, सैम करन मेगा ऑक्शन में आते हैं उनके पीछे जाओगे, तो कहीं ना कहीं इनके पीछे आप लोगों को लगभग देखा जाए 12-15 करोड़ का पर्स फंसाना पड़ जाएगा। वहीं पे सिकंदर रजा आपको 50 लाख या फिर 1 करोड़ में देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आरसीबी टीम को बड़े नामों को ना छोड़ के देखा जाए क्वालिटी प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल करना चाहिए, जो उनके लिए देखा जाए मैच विनिंग परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से सिकंदर रजा वो मुझे नाम देखने को मिलती है जिनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, वहीं पर बैटिंग से बॉलिंग से अभी हालिया फॉर्म इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, तो आरसीबी टीम उन्हें टारगेट कर सकती है। बाकी आप लोग बताइए आपके हिसाब से क्या सिकंदर रजा को आरसीबी टीम टारगेट करेगी या फिर नहीं करेगी, आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट पे जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।